सो अपडेट के बाद लोरा कैरेक्टर के स्किल को चेंज करके और भी खतरनाक बना दिया है फ्री फायर ने। सो आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लोरा का एबिलिटी क्या है, वो भी टेस्ट करके, एंड असल में इसका काम क्या है फुल डिटेल्स में बताऊंगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोग लोरा कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है समझ जाओगे। सो वेलकम अगेन गाइज, मैं हूँ स्टॉर्म शक्ति, हमारा वीडियो में आपका स्वागत है। एंड हाँ, जो कोई भी मेरे भाई सोच रहे होंगे कि लोरा कैरेक्टर सिर्फ स्नाइपर यूजर के लिए, यानी जो कोई स्नाइपर यूज करते हैं उनके लिए लोरा कैरेक्टर है, वो गलत है। लोरा कैरेक्टर का स्किल तब भी वार करता है जब भी आप लोग किसी भी गन को स्कोप इन करते हो। तो इसी के लिए जो कोई भी गन में स्कोप होता है वो M500 पिस्टल हो सकता है, नहीं तो AK-47, M41, जिस भी गन का स्कोप है उसी गन में लोरा कैरेक्टर वार करता है, यानी काम करता है। एंड हाँ, अगर आप लोग स्नाइपर नहीं भी चलाते हो तो भी आपके लिए लोरा बेस्ट हो सकता है। अभी बात करते हैं अपडेट के बाद लोरा के एबिलिटी में क्या चेंजेस हुआ है। लोरा का एबिलिटी है, आप लोग जब भी स्कोप इन करोगे तो आपका एक्यूरेसी जो होता है गन का वो 35% बढ़ जाएगा, जो कि अपडेट से पहले था 30%, यानी 30% अभी 35% कर दिया गया है। अभी चलते हैं टेस्ट करके देखते हैं जो 35% इंक्रीज होता है एक्यूरेसी, उसका असल में क्या फायदा। यहाँ पे मेरे पास है एडम कैरेक्टर एंड उसके साथ है AK गन, कोई भी अटैचमेंट नहीं लगा हुआ है, देख सकते हो कितना गोली के बाद रिकॉल होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बिना अटैचमेंट की AK गन नॉर्मल कैरेक्टर में 3 गोली के बाद रिकॉल होना स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे अगर आप लोग लोरा कैरेक्टर को यूज करते हो तो क्या फायदा है देख लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोरा कैरेक्टर के साथ सेम AK बिना अटैचमेंट के 11 गोली यानी 11 गोली के बाद रिकॉइल किया। अभी आप लोग सोचो कि अगर आप लोग लोरा कैरेक्टर लेके खेलते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपका गन का हर गोली एनिमी के ऊपर कनेक्ट होगा 100%। वैसे तो आप लोग लोरा कैरेक्टर को यूज करके किसी भी गन को यूज कर सकते हो, बट अभी बात करते हैं किन किन गन को यूज करने से लोरा का 100% आप लोग एबिलिटी का फायदा ले सकते हो। हमारा जो पहला वेपन है जो कि लोरा के साथ बेस्ट है वो है स्नाइपर। जैसे कि आपको पता होगा लोरा कैरेक्टर का स्किल तब भी वर्क करता है जब भी आप लोग स्कोप इन करते हो, एंड अब जब भी स्नाइपर को यूज करते हो बाय डिफॉल्ट आपको स्कोप इन करके यूज करना पड़ता है, एंड उसी के लिए लोरा एंड स्नाइपर का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को देखे होंगे, बड़े बड़े ई स्पोर्ट प्लेयर के स्नाइपर प्लेयर को देखे होंगे, उनका स्किल स्लॉट में लोरा कैरेक्टर होता है। उससे फायदा क्या होता है, उनका स्नाइपर का हर एक गोली बॉडी को टच करता है, मिस कभी भी नहीं होता है। अगर आप एक स्नाइपर हो नहीं तो एक बेस्ट स्नाइपर होने के लिए कोशिश कर रहे हो तो आप एक बार लोरा कैरेक्टर को यूज करके देखो, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारे गन है जैसे कि AK, UMP, P90, SBD, जिसका रिकॉइल ज्यादा होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो लोरा कैरेक्टर के साथ उसको यूज करके, एंड ये सब जो गन है मैंने आपको बताया है वो सब लोरा के साथ बेस्ट कम्बो है। अभी बात करते हैं इस वीडियो का मेन पॉइंट जो है लोरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। मैं बताऊंगा आपको किन किन कैरेक्टर यूज करना है लोरा के साथ, जैसे कि लोरा का पावर 10x स्पीड से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो पहला कैरेक्टर है जो कि आपको लोरा के साथ रखना है वो है एक्टिव कैरेक्टर क्रोनो। क्रोनो नहीं है तो आप लोग उकोंग को उसके जगह पे यूज कर सकते हो, बट अगर आपके पास क्रोनो है तो क्रोनो बेस्ट है अगर आप लोग स्नाइपर यूज करते हो तो। अगर आपके पास क्रोनो नहीं है तो आप लोग उकोंग यूज कर सकते हो। क्रोनो कैरेक्टर को यूज करने का ये फायदा कि अगर आप लोग स्नाइपर यूज करते हो आपको पता होगा आप स्कोपिंग करते टाइम लेफ्ट और राइट को नहीं देख सकते, उसी टाइम अगर एनिमी आपके ऊपर फायर करता है आपको लोकेशन नहीं पता है तो आप क्रोनो यूज करके बच सकते हो। और जो नेक्स्ट दो स्किल स्लॉट बचे उनमें से एक में आपको यूज करना है मोको कैरेक्टर। मोको कैरेक्टर यूज करने का फायदा यह है कि अगर एनिमी के ऊपर एक गोली आप लोग कनेक्ट कर लेते हो तो एनिमी का लोकेशन मोको आपको दिखाता रहेगा, और आप स्नाइपर के साथ M82B के साथ ग्लू वॉल के आर पार मार के एनिमी को इजीली खत्म कर सकते हो। एंड बाकी जो लास्ट एक कैरेक्टर आपको रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपको राफेल रखना है, नहीं तो आपको रखना है केली। एंड अगर आप लोग राफेल कैरेक्टर रखते हो तो आपको फायदा है, आपको साइलेंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप स्नाइपर चलाते हो तो ऑटोमेटिकली स्नाइपर के साथ साइलेंसर लग जाएगा। एंड इसके साथ साथ इसका और एक स्किल है, आप जब भी एनिमी को नॉकडाउन करते हो वो नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी मर जाएगा। एंड अगर आप लोग केली कैरेक्टर यूज करते हो तो आपको दो बेनिफिट मिलेगा, पहला तो केली आपका स्प्रिंटिंग स्पीड बढ़ा देता है, एंड सेकेंड में एनिमी को 106% एक्स्ट्रा डैमेज देता है। आज के लिए इतना है, अगर आपको लोरा के एबिलिटी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करो, नहीं तो अगर और कोई कैरेक्टर के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सारा कैरेक्टर का वीडियो मिल जाएगा।